हैं द मॉर्निंग लाउंज, मैं हूं सिद्रा इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुईज़। एंड वी गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, लोग ये कह रहे हैं कि जी इतने सारे मसाइल होते हैं एंड देयरफॉर हम जैसे शुरुआत में भी कहते हैं कि योर वेल बीइंग, आपका खुद जो आपकी सेंसिटिविटी है, जो आपका इमोशनल बैलेंस है, उसमें कितना इंपॉर्टेंट है आपका उसको मैनेज करना और उसको लेके चलना, अदरवाइज थिंग्स कैन गो आउट ऑफ हैंड। तो हमने भी ये फैसला किया है कि हम डॉक्टर मोइज को विल हैव हिम इंशाल्लाह ओवर एवरी थर्सडे, आप इनसे बात कर सकेंगे, इनको कॉल कर सकेंगे एंड वी विल कवर अ होल लॉट ऑफ दीज टॉपिक्स। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा कॉल्स आई हैं सर, कि नेगेटिव थॉट्स और वो पीछा नहीं छोड़ते। पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके जहन में सोचना हो जी। वी ऑल आर थिंकिंग 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक, नींद में भी हम सोच रहे होते हैं और वही सोच नींद में हमें ख्वाब की शक्ल में आती है। तो सोचना बंद नहीं करता, इसको कहते हैं एक चैटर बॉक्स है, ये अंदर बक 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 दिमाग में करता ही रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनको कोई बात जब ये सुनती है तो इसकी इनकी सुई अटक जाती है, टेक्निकली कहते हैं सुई अटक जाती, उसी बात के पीछे रहती है, लेट गो नहीं कर पाती। वरना जहन तो सोचता रहेगा, मेरा जहन भी आपका जहन भी सोचता रहता है। तो अब करना यह है कि इंसान थोड़ा सा एक रवैये पे काम करे, रिलैक्स करने शुरू करे। मेरे टीचर ने एक दफा में, एक बड़ी मुश्किल में था, तो उसने मुझसे कहा था कि यू थिंक यू ओन दिस प्लेस, जो मेरा इंस्टीट्यूट है। मैंने कहा ऑफ कोर्स। कहती यू डोंट ओन दिस प्लेस, यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर हियर, गॉड रन्स एवरीथिंग, यानी अल्लाह इस निजाम को चलाता है और अल्लाह ने हम सबको मैनेजर, कोई जनरल मैनेजर है, कोई मैनेजर है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है। अब मेरे पास जो लोग मुलाजिम है उनकी तनख्वाह मैं नहीं देता, खुदा मुझे देता है और मैं कैशियर के तौर पे, अकाउंटेंट के तौर पे आगे बांटता हूँ। एंड इन रेट्रोस्पेक्ट सर, ये तो फिर भी चले सही है कि आप ये सोचें कि द प्लेस इज ओन्ड बाय यू, लेकिन हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दैट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स टू ओन यू। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। उसका काबू आप पे ज्यादा हो जाता है ना कि आप उसको लेट गो ही नहीं कर रहे। तो अब इसमें बेसिक चीज ये है कि जैसे उन्होंने कहा था कि नन ने कुछ कह दिया तो मैं सोचती रहती हूँ, देवरानी का नाम लेता हूँ, देवरानी का नाम लड़ाई करा रहे हैं। I'm sorry जी, नन जी, मैंने समझा नहीं आवाज में, समझा नंद है। एनीवे, जो कोई कह देता है आपका बस जहन अटक गया उसके अंदर। तो अब इसका तरीका ये है कि थोड़ा सा आप लेट गो करें। तो उसका एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ये है कि दिन में एक दफा करें और वो ये करें कि आराम से लेट जाए 10 मिनट के लिए, अपने पंजों से शुरू करें, उसको टेंस करें एकदम, और उसके बाद उसको रिलीज करें, फिर टेंस करें, फिर रिलीज करें। बारी बारी जिस्म का कोई भी हिस्सा, कोई भी मसल, कोई भी पट्टे जिसको आप टेंस सख्त कर सकते हो और फिर तनाव पैदा करें उसमें, और 4-5 सेकंड के बाद उसको एकदम से रिलैक्स करें। ये 10 मिनट सर तक करें, जितने हिस्सों को आप तनाव पैदा करें और फिर रिलीज करें, हर हिस्से पे 4 या 5 दफा ये करें। इवेंचुअली आप सीखेंगी तनाव को रिलैक्स करना, रिलीज करना। तो दिस विल डेवलप इन यू एन एटीट्यूड ऑफ लर्निंग टू लेट गो ऑफ थिंग्स। तो आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जिंदगी में अक्सर हमें कहा जाता है जिम्मेदार बनिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाइए, लेकिन अक्सर होता यह है स्पेशली हाउसवाइफ के साथ कि इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई करने लगते हैं हम अपने बच्चों की परफॉर्मेंस उनके स्कूल में, अपने घर की सफाई से, अपने खानों के जायके से, कि यही सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी बन जाती हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इन पर फोकस हो, आप एक अच्छी खातून खाना बने, लेकिन साथ ही साथ देयर हैज़ टू बी समथिंग मोर दैट डिफाइंस यू। कितने लोग हैं हम में से जो ये जानते हैं कि उनको किस किस्म का म्यूजिक पसंद है? हम कामों में इतना उलझ जाते हैं कि हम ऐसा सिंपल सवाल भी उसका जवाब नहीं दे पाते। डॉक्टर साहब, और कोई टिप्स दें लोगों बस को? एक और चीज है जो इस वक्त मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, अल्लाह माफ करे, मैंने जिंदगी में ऐसे वियर्ड केसेस नहीं देखे। बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस हैं, कोई अमेरिकन सियाही मेरे पीछे पड़ी है, लोग मुझे देख रहे हैं। एक 80 साल की खातून मेरे पास का बेटा लेके आया कि जी मोहल्ले वाले मुझ पर तोहमत लगा रहे, मतलब बुरी बात, तो मुझे कि मेरे बच्चे की शादी होगी तो क्या होगा। शी इज़ अगेन अ स्प्लिट पर्सनैलिटी। इस वक्त एक काम करें प्लीज़, घर वाले, आपके घर में कोई भी ऐसा शख्स हो जो टेंस हो, जो डिप्रेस रहता हो, एंग्जाइटी होती है, रोज़ रात को सोने से पहले एक कॉमेडी फिल्म देखें, और वो कॉमेडी फिल्म ऐसी हो जिसमें ऊट पठान कॉमेडी हो, कहका लगे, बेसाख्ता आप हंसें। और मेहरबानी करके जितने भी ऐसे प्रोग्राम है जिसमें आप पॉलिटिशियन को सुनते हैं, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, यू नो दे लायर्स, बकवास कर रही है आपको अब आप फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे? फ्रस्ट्रेशन आप निकाल नहीं सकते, तो वो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर स्ट्रेस पैदा कर बिल्ड अप होती है। तो आप एक काम ये करें कि सिर्फ रात को एक मूवी देखें, कॉमेडी मूवी देखें, बेसाख्ता हंसे, और उसके बाद आप सो जाएं। चंद दिन तक करें, आपका डिप्रेशन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा।
थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल टिप डॉक्टर साहब, और इंशाल्लाह ताला वंस अगेन आप सबके लिए रिपीट करती चलूं कि डॉक्टर मोइज विल बी विद अस एवरी थर्सडे सुबह 10 बजे, आपकी जो कॉल्स हैं, ईमेल्स हैं, एसएमएसस हैं वो आप हम तक भेज सकते हैं, एंड वी डेफिनेटली ट्राई एंड डिस्कस देम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम करियर्स मैनेज कर लेते हैं, हम 12-15 कमरों का अगर हमारा घर है उसको मैनेज कर लेते हैं, नौकरों की एक फौज होती है उसको मैनेज कर लेते हैं, बट वी फॉरगेट टू पे अटेंशन टू आवर सेल्व्स, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए आप किसी शख्स को मामूर नहीं कर सकते, ये आपने खुद करना है। और जब आपकी हेल्थ, स्पेशली आपकी इमोशनल हेल्थ अगर आपने खो दी, तो यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो आउट ऑफ हैंड। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक स्मार्ट चॉइसेस इन लाइफ। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वी विल बी बैक विद द मॉर्निंग लाउंज। कहीं मत जाएगा, कीप कॉलिंग अस, कीप सेंडिंग अस योर मैसेजेस, बिकॉज़ वी लव इट।